प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। दुनिया भर में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। हर साल बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करके योग की महत्ता को बताया जाता है। पिछले दो सालों से कोरोना संकट के बीच योग दिवस आयोजित किया जा रहा है और लोग वर्चुअली इसमें शामिल भी होते हैं और योगासन भी करते हैं। इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल और वर्चुअल मीडियम के जरिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी योग का महत्व समझाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपना संबोधन देंगे। उनके संबोधन को 21 जून की सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। इस दिन के खास महत्व को समझने के लिए आपको योग के इतिहास को समझना होगा। योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योगासनों के महत्व को रेखांकित किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को पहला योगी कहा गया। योग संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मन, मस्तिष्क और शरीर को एक साथ लाकर एक सूत्र में पिरोना। इस साल भी योग दिवस के मौके पर लोगों को योगासनों के महत्व और शरीर पर पड़ने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि इस साल योग दिवस की थीम खासकर कोरोना संकट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस साल की थीम है बी विथ योगा, बी एट होम। योग के साथ रहें, घर पर रहें। कहने का मतलब है कि कोरोना संकट को देखते हुए इस साल भी लोगों से घरों पर रहकर ही योग करने की अपील की गई है। दरअसल पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2015 को किया गया था। इसे मनाने की अपील भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से की थी। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। आज दुनिया भर के लोग योग कर रहे हैं। योग के जरिए खुद के शरीर को फिट रख रहे हैं। आज भारत की कोशिश से दुनिया हेल्दी वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रही है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।